सो वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर अचीवर सीरीज। एंड इस अचीवर सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आज मेरे गेस्ट हैं IFBB प्रो मिस्टर रजत गोयल। प्रो नहीं हूँ, अभी प्रो नहीं हुआ। रजत, आप बहुत जल्दी प्रो हो जाओगे। हाँ, वो अलग बात। सो यही मेरा इंट्रोडक्शन है गाइस। सी, आज हम वेलकम करते हैं हमारे फ्यूचर IFBB प्रो मिस्टर रजत गोयल का, और जानते हैं उनसे उनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो उन्होंने अचीव की हैं अपनी लाइफ में, और क्या वो नया करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सो वेलकम है रजत आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रजत, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने यहाँ पर इंडिया में रिसेंटली जाना कि आप यूरोप से एक मेडल अपना विन करके आए हो, उस चैम्पियनशिप के बारे में और आपकी प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइए। अगर मैं इवेंट के बारे में बताऊं तो मास्टर ओलंपिया 11 साल बाद IFBB ने रीस्टार्ट किया है जी। तो उसका जो पहला एडिशन था वो रोमानिया में हुआ था इन यूरोप, एंड उसमें ही अमेच्योर ओलंपिया ईस्टर्न यूरोप करके साथ में अमेच्योर शो भी था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड माय कैटेगरी वाज क्लासिक फिजिक जिसमें मैं नॉर्मली खेलता हूँ इंडिया में भी। और उसमें पहले यस आई वॉज इन टॉप 10, देन आई वॉज इन टॉप 5, एंड आई वॉज अवॉर्डेड एज फोर्थ प्लेस विनर, एंड आई वॉज द ओनली इंडियन ओवर देयर टू रिप्रेजेंट इंडिया, एंड आई एम ग्लैड दैट आई वॉज इन टॉप 5। एंड यस, इन द कमिंग टाइम फॉर श्योर इन द इंटरनेशनल इवेंट्स यू विल डेफिनेटली गेट द गोल्ड मेडल एज सून एज पॉसिबल। सुपर। सो रजत, अब मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ या मैंने जितना स्टडी किया है, इन्फोसिस का एक इंजीनियर, आज बॉडी बिल्डिंग और बहुत बड़ी बॉडी बिल्डिंग की स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता है, ये जो शिफ्ट ओवर आया है ये कैसे आया और कब आया है? अगर आप बात करो बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग की, तो इट्स बीन नाउ 2023 कंप्लीट होने वाला है, तो मैं 24th ईयर ऑफ अपने बॉडी बिल्डिंग में एंटर करूँगा ट्रेनिंग में। ईयर 2000 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड एंड आई जस्ट क्लियर्ड माय 9th क्लास एग्जाम। और उसके बाद प्रोफेशनली मैं जब दिल्ली आया 2014 में, तब मैंने प्रोफेशनली शुरू किया इसको, तो अब वो उसके लिए भी 10 साल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई वॉज इन टू हैवी लिफ्टिंग, आई यूज टू ट्रेन माई सेल्फ इवन वन आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग इन द कॉलेज। जब मैं इन्फोसिस में था तब भी मैंने ट्रेनिंग अपनी कभी नहीं छोड़ी। अच्छा, तो शिफ्ट अगर आप बात करोगे तो शिफ्ट ये था कि मैं हमेशा से यही जानना चाहता था कि मैं आया क्यों हूँ यहाँ पर इस दुनिया में, मेरा मोटिव क्या है। पैसा कमाना अगर मेरा मोटिव है तो वो मैं शायद इन्फोसिस में रह के भी कमा सकता था, और आज के टाइम में अगर मैं इसके अलावा कुछ और भी कर रहा होता शायद इससे ज़्यादा भी पैसा कमा रहा होता। लेकिन पैसा कमाना इज़ नॉट द अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। मेरे लिए सेटिस्फैक्शन वो है कि मुझे सबसे पहले ये पता चले मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और दूसरा ये जो मैं करना चाहता हूँ अपने साथ में उसमें सक्सेसफुल हूँ। वो सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो किसी भी गाड़ी से, बंगले से या आपके बैंक बैलेंस से बहुत ऊपर होता है, क्योंकि जीने के लिए आपको इतना अथाह पैसा नहीं चाहिए। आपको जितना चाहिए उतना मैं शायद टच वुड आज के टाइम में कमा रहा हूँ, इसलिए मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन्स खेल पा रहा हूँ और अपने बिजनेस को भी चला पा रहा हूँ और फैमिली का भी टेक केयर कर पा रहा हूँ। रजत, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जीने के लिए उतने अथाह पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। बट रिसेंटली ही अब इंडिया का जो बॉडी बिल्डिंग का सीन है, खास तौर पर मैं अगर एमेच्योर ओलंपिया, NPC और IFBB के बारे में बात करूं, तो उसके बारे में ये बात बोली जाने शुरू हो चुकी है कि इनके जो एथलीट्स होते हैं इनको उतना पैसा नहीं दिया जाता, स्टिल वो लोग अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। देखिए, अगर इतने से वर्ड को अगर मैं आपके उठाऊं तो मैं सीधे से बोलूँगा कि जो पैशन वर्ड अभी आपने बोला जी, आप किसी भी पैशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ता है जी। फॉर एग्जांपल, आपका पैशन है आप रोज़ नई गाड़ी में घूमो या आपके पास 15 अच्छी गाड़ी हो, तो वो गाड़ी आपको पैसा नहीं देगी, आपको उसके लिए पैसा खर्च करना है। किसी इंसान का पैशन होता है कि वो दुनिया घूमे, ट्रैवल करे, तो उसके लिए वो ट्रैवलिंग उसको पैसा नहीं देती है, उसको ट्रैवल के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। राइट। इसी तरीके से किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को घड़ियाँ पहनने का शौक होता है, फीमेल्स को बैग्स लेने का शौक होता है, नई ड्रेसेस पहनने का शौक होता है, तो वो पैशन शौक वो आपको पैसा खर्च कराता है। तो अगर आप इसको एक पैशन बोल रहे हो या आप इसको ऐसा बोल रहे हो कि हाँ मुझे ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने की चाहत है, तो चाहत के लिए और पैशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है जी। आप अपने सोर्सेज को ऐसा बनाओ कि आप अपने
पैशन के लिए पैसा उस सोर्स से लेके आओ। पैशन से पैसा मत लेने की सोचो। अच्छा, ओके। आप पैशन से पैसा लेने की सोचोगे तो आप उसे काम की तरह देखोगे और आप काम में कभी भी 100% खुश नहीं रहते। कौन ऐसा इंसान है जो सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है या 9 से 8 की नौकरी करता है और वो रोज खुश होता है? नहीं होता। तो अगर आप इसको पैसा कमाने के बेसिस पे देखते हो तो आप उसके लिए एक नौकरी वाला इमेज क्रिएट कर देते हो। अगर आपको नौकरी वाली इमेज क्रिएट करनी है इसके लिए तो फिर वो आप फिर कंपटीशन मत खेलो, ठीक है? आप फिर उससे पैसा कमाओ। बहुत जरिए हैं, आप एज अ कोच बन सकते हो, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप सप्लीमेंट बिजनेस कर सकते हो, आप जिम ओनर बन सकते हो, ठीक है? लेकिन फिर आप वो एथलीट वाली चीज में नहीं आ पाओगे, ठीक? अब जैसे मेरा क्या है कि मैं जिम ओनर हूँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ और मेरा सप्लीमेंट्स का भी अपना बिजनेस है। सो आई हैव डाइवर्सिफाइड माई सेल्फ इन अदर थिंग्स सो दैट आई कैन रन माई बिजनेस, आई कैन take care of my needs, daily needs, and मैं अपने passion को भी follow कर सकूं। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि अगर मैं उस competition में खेलूंगा तो वहाँ पे अगर 5 लाख रुपए हैं तो मैं जो को उसको उसको खेलना है, क्योंकि वो एक momentarily win है मेरे लिए और वो momentarily money है। 5 लाख रुपए में 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके बाद क्या? बिल्कुल ठीक बात है। So that's what, passion follow करना है तो passion follow करो, और passion follow करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रजत ने हम सबके साथ में शेयर की है, और मैं सारे एथलीट्स जो रियली में प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उन सबको भी ये बात बोलना चाहूँगा कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है और पैसा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। आप इस चीज़ को प्राइज मनी को अपना एक रिवॉर्ड समझ करके उसी से सिर्फ खुश ना हो जाइए, अपना कैरियर बनाइए और अलग अलग चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। रजत, हम जब भी आपको देखते हैं, आप चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लासिक कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया में हमने आज तक आपको गोल्ड विन करते हुए देखा है, और रिसेंटली आपने जो मेडल विन किया है वो गोल्ड नहीं है। अब इसमें आप किस चीज़ को जिम्मा देना चाहोगे? क्या कहीं पर कुछ आपसे लैक हो गया, या वहाँ पर आपसे ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, क्या हुआ था? छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा हॉलीवुड का और बॉलीवुड का। जी, यहाँ पर बॉलीवुड का जो राजा है वो हॉलीवुड में अगर एक मूवी में भी आ जाता है तो उसकी वाह वाह हो जाती है। जी जी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड वाले जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छे लेवल पे हैं, मतलब जो मीडिया उनसे मिलने के लिए तरसती है, लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें अपनी मूवी में लेने के लिए तरसता जी। है, वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। तो आप ऐसा ही समझ के चलो कि हम बॉलीवुड में बैठे हैं जी, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, रियली एडमायर सो मैनी पीपल, और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन जब आप बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हो अपनी कंट्री को और वहाँ के कंपटीशन से कम्पीट करते हो, वो लेवल ही सर बिल्कुल डिफरेंट है, और वो यहाँ के गोल्ड से जीतने से बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप एक डिफरेंट जीन्स के साथ कम्पीट कर रहे हो, आप एक डिफरेंट बॉडी, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट ऑडियंस के सामने कम्पीट कर रहे हो। जजिंग पैनल बिल्कुल डिफरेंट है, आपका वहाँ कोई सपोर्टर नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल वहाँ पर अकेले हो, कैसे क्या चीज़ होगी सब आपको खुद मैनेज करनी है, आपको पानी भी पीना है तो खुद लेके पीना है। ट्रू। ऐसे एनवायरनमेंट में, इतनी डिफिकल्टीज में, इतने चैलेंजेस में, मैं बोलूँगा डिफिकल्टी नहीं चैलेंजेस में, अगर आप टॉप 5 में वर्ल्ड में आ रहे हो, टॉप ऑफ द टॉप एथलीट्स होते हैं इस कॉम्पिटिशन में, तो डेफिनेटली हाँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ बेटर अचीव कर सकता था, लेकिन हाँ, मैं ये भी खुश हूँ मैं वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आया। एटलीस्ट अगर मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया तो मैं टॉप 5 में उसे कहीं ना कहीं प्लेस करके आया, और इससे मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि आगे आने वाले चैंपियनशिप्स में मैं डेफिनेटली एक अपर प्लेस और लेके आऊँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो गाइज, हमें लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और अगर कहीं पर हमारी किसी भी चीज़ में हार भी हो रही है तो उसमें से भी हमें क्या लर्निंग मिल रही है, इस चीज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, रादर देन कि मोमेंट्री हमारी क्या विनिंग हुई है। रजत, बात करते हैं, सेम फेडरेशन है IFBB और दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं और अब आप यूरोप में भी पार्टिसिपेट करके आ गए हैं, क्या फ़र्क आपको लगा दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पार्टिसिपेशन करने का? कहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया, इंडिया में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया, या आपको बाहर जा कर के काम करने में, वर्कआउट करने में और इसके अलावा पार्टिसिपेट करने में भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, लास्ट ईयर मैंने इंडिया में कम्पीट जब किया था, अगेन आई क्रैक गोल्ड दैट टाइम, और उसके बाद मैं दुबई खेलने गया था जी। दुबई में बॉडीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, वो उस एरिया में अरब कंट्रीज़ में बॉडी के जीन्स बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट कंडक्ट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है?
मैं यूरोप में गया, वहाँ की बॉडीज डिफरेंट है, जेनेटिक्स जैसा मैंने अभी बताया, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का कंडक्ट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया की बात करो, हमारे लिए इंडिया में चीज़ें बहुत सिंपलिस्टिक बना रखी हैं बाहर के कंपैरिजन में। बाहर आपको हर एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ की भी यू हैव टू पे मनी। फॉर एग्जाम्पल, बिंदिया मैम मेरे साथ गई थी जी, उनकी बैक स्टेज एंट्री के लिए भी टिकट था। जैसे हमारे यहाँ पर सपोर्टर बैंड मिलता है, एक एथलीट अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके साथ उसे सपोर्टर बैंड मिलता है, और सपोर्टर बैंड का एक्सेस होता है उस बैंड वाले बंदे का, कि वो उसके साथ कहीं भी घूम सकता है, ग्रीन रूम भी जा सकता है, कहीं भी, मतलब एवरी ही इज़ एलिजिबल लाइक एन एथलीट। बिल्कुल। लेकिन बाहर ऐसा कहीं नहीं है। इवन इन दुबई, दुबई में मुझे ये बात पता नहीं थी कि बैक स्टेज एंट्री के लिए चाहे आपका सपोर्टर हो चाहे कोच हो, उसको टिकट लेना पड़ेगा। तो मुझे अलग से अकेले तैयार होना पड़ा अंदर, उन्होंने एंट्री नहीं करी, और वो भी एंट्री ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तभी पॉसिबल थी, ऑन स्पॉट थी भी नहीं। अच्छा, ऑन स्पॉट अगर आपने कब करनी है तो देयर वाज नो ऑप्शन। ओके, अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया तो यू विल गो इनसाइड अलोन ओनली ऑन द बैक स्टेज। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर बैक स्टेज की टिकट हमने खरीदी रोमानिया में, और बैक स्टेज होता है अरीना के अंदर, ठीक है, वेन्यू के अंदर जी। जब तक आप वेन्यू में नहीं घुसोगे तो बैकस्टेज कैसे जाओगे? एंड वेन्यू की टिकट वाज आल्सो सेपरेट। ओह, यानी दो टिकट्स लेनी है आपको? दो टिकट लेनी है। अगर आपको केवल शो देखना है तो आपको वेन्यू अरीना की टिकट लेनी है जी। लेकिन आपका कोच है या सपोर्टर है जो आपके साथ बैकस्टेज जाना चाहता है, आपको पानी देना चाहता है, टैन करना चाहता है, व्हाटएवर इट इज, या आपके साथ रहना भी चाहता है, उसके लिए एक सेपरेट टिकट है। अच्छा, और इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन के साथ जो सपोर्टर होता है, जैसा मैंने बताया, उसके लिए सब कुछ की एलिजिबिलिटी है। वहाँ पे आपको अरीना के पैसे भी नहीं देने हैं, बैकस्टेज के पैसे भी नहीं देने हैं, सारी एंट्रीज फ्री होती हैं। सेकेंडली, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूल ये था, कोई भी एथलीट, कोई भी सपोर्टर या कोई भी गार्जियन या कोई भी फ्रेंड अपना प्रोफेशनल कैमरा नहीं ले जा सकता। अच्छा, ओके, प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं था, और स्पेशली यूट्यूबर्स वर नॉट अलाउड because they always carry the professional camera. Yeah, yeah, yeah. Yes. अगर आप यूट्यूबर हो तो आप एज एन ऑडियंस जाओ, अच्छा, एज ए यूट्यूबर मत जाओ। ओके, एंड स्टिल यू कैन कैरी योर फोन, यू कैन जस्ट मेक वीडियोज एंड पिक्चर्स फ्रॉम द फोन, नो प्रॉब्लम, देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल पिक्चर्स चाहिए हाई रेजोल्यूशन, देन यू हैव टू पे द मनी फॉर दैट, एंड यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंडक्टिंग द इवेंट। आपको पिक्चर्स लेनी है, उसके अलग पैसे हैं, आपको वीडियो लेनी है, उसके अलग पैसे हैं। okay. एक चीज से दोनों भी नहीं मिलेंगे। और ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इज सेपरेट। ओके, एंड दीज थिंग्स आर ऑप्शनल। सो अगर मैं मोटा मोटी आपसे एक रफ एस्टिमेशन लेना चाहूं, आप यहां पर शेरू क्लासिक, IIHF शेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करें, और सेम फेडरेशन की आप दूसरी चैंपियनशिप इंटरनेशनल में जाके, तो कितना आपको पैसा उधर खर्च करना पड़ता है और कितना पैसा यहाँ पर आपका लगता है? अर्ली बर्ड की थोड़ी कम होती है, और आई थिंक ऑन द स्पॉट की कुछ अलग होती है, या नियर द कॉम्पिटिशन कुछ अलग होती है। तो अगर उससे कंपेयर करूँ तो उसके कंपेरिजन में 30,000 rupees तो मैंने रजिस्ट्रेशन के दिए थे वहां पे। उसके बाद मैंने 10,000 rupees सेपरेट वीडियो के दिए। अच्छा, 10,000 rupees मैंने सेपरेट दिए फोटोज के, क्योंकि okay. मुझे चाहिए थी भाई, मुझे चाहिए तो मुझे पैसे खर्च करने, हर एथलीट को चाहिए होती है। टोटल 50,000 हो गए। मैडम के बैक स्टेज के लिए मैंने अलग से 10,000 rupees खर्च करे। ओके, तो आपके 60,000 हो गए। उसके बाद मैडम की अरीना की टिकट के लिए अलग से मैंने 6,000 rupees खर्च करे, वो 66,000 हो गए। दिस इज एक्चुअली द अमाउंट। 66,000 में अगर थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स या कन्वर्जन ऊपर नीचे जाता है तो वो 70 के आसपास ही बैठता है। तो 65 से 70 के बीच आप मान के चलो, इतना तो केवल आपकी एंट्री और रजिस्ट्रेशन का पैसा है। उसके बाद ऑप्शनल चीज़ है आपकी टैनिंग। अगर आप वहाँ की टीम से टैन कराते हो तो अगेन 100 euros, मतलब अराउंड 10,000, 9,500 rupees वो हो गए। और अगर आप नहीं कराते हो तो वो आपके बच जाते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। तो जहाँ मैंने यहाँ पर जिस चीज़ के लिए 20,000 rupees खर्च करे, और मैं अपना कैमरा भी ले जा सकता हूँ, सब कुछ ले जा सकता हूँ, वही उसी चीज़ के लिए मैंने वहाँ पे 70,000 rupees खर्च करे हैं। राइट, राइट। तो मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, मोर देन 3 times। यस, बट ये जो एक्सपेंडिचर है यहीं तक सीमित नहीं है। आप ये भी तो देखो ना, आपका फ्लाइट टिकट्स, आपका एकोमोडेशन, आपका फूड का खर्चा,
वीजा, चार पांच दिन रखोगे वीजे का खर्चा, चार पांच दिन रुकोगे और आपकी अगर स्पेसिफिक डाइट है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको महंगी पड़ेगी। आप कहीं पर वर्कआउट करने जाओगे उस जिम का फी है आपका। एंड यूरोप में यू हैव टू बाय वाटर एवरीवेयर, इवन इन रेस्टोरेंट दे विल नॉट सर्व यू वाटर। इफ यू वॉन्ट वाटर दे विल गिव यू टैप वाटर। ओके, आपको टैप वाटर पीना, दैट इज ऑल्सो गुड, आप पी सकते हो, बीमार नहीं होगे उससे। लेकिन अगर आपको डिस्टिल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर पीना है या मिनरल वाटर पीना है, यू हैव टू गो एंड बाय एंड देन यू विल हैव इट। तो मतलब जब मेरा एयरपोर्ट पे हॉल्ट था, एयरपोर्ट पे तो वैसे भी महंगी चीजें मिलती हैं, तो मैंने आधा आधा लीटर पानी भी 300-400 रुपए का खरीद के पिया हुआ है, क्योंकि कोच ने बोल दिया था ड्यूरिंग द ट्रैवल यू हैव टू ड्रिंक 8 लीटर्स ऑफ वाटर। इमेजिन 8 लीटर्स, जब फ्लाइट में होते तो भाई पी लो, लेकिन जब हमारा बुकारेस्ट में जब हम उतरे द कैपिटल ऑफ रोमानिया, तो वी हैड अ 8 आवर हॉल्ट। अब उस 8 घंटे में कितना कम पानी पियोगे, राइट? तो मैंने तो, मेरे को तो कम से कम 2.5-3 लीटर पानी तो उस पीरियड में पीना ही पीना था, तो आई हैड टू स्पेंड 2-3 थाउजेंड रुपीज फॉर दैट 2.5 लीटर पानी। राइट राइट राइट। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगर ओवरऑल आप एक्सपेंडिचर लगाओगे तो इट्स अ लॉट, बट यस दैट इज समथिंग कि वो तो होना ही होना है। लेकिन अगर आप इवेंट को कंपेयर कर रहे हो तो इवेंट में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क। सो गाइज, आपके सामने है सारा लेखा जोखा, एक शॉर्ट टैली आपको रजत ने दे दी है कि क्या क्या खर्चा, कितना कितना करना पड़ता है। और जो लोग इस बात को एक मुद्दा बनाते हैं कि हमारे यहाँ पर पैसा लूटा जाता है और एथलीट की सपोर्ट नहीं की जाती, पैसे के मुकाबले में भी सपोर्ट ज़रूर की जाती है। और किसी भी एथलीट से, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, आप उनसे इस चीज़ को कन्फर्म भी कर सकते हैं। ओके, सो रजत, आपने बीच में बात की अपने कोच के बारे में कि आपने, आपके कोच ने आपको कहा कि 8 लीटर तक आपने पानी पीना है ट्रैवल के टाइम पर। थोड़ा सा अपने कोच के बारे में भी बताइए। मैंने देखा है कि आप ट्रेन कर रहे होते हैं किन्हीं के साथ में, सो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। राइट नाउ मेरे जो कोच हैं वो नील योडा हिल जी, एंड उनसे कंसल्टेशन एज ऑफ नाउ बिकॉज ही इज़ इन US, तो मोस्टली ऑनलाइन रहता है, एंड ही इज़ बेसिकली एन ओलंपिया क्रिएटर, ओलंपिया लेवल के कोच हैं जी। और मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर मेरा एम ओलंपिया टच करने का है तो उसके लिए मुझे प्रो कार्ड जीतने के बाद से तैयारी नहीं शुरू करनी है। ट्रू, यस। वहां से तो आपके एफर्ट शुरू होते हैं जी, मुझे तो उससे पहले ही तैयारी शुरू कर देनी है कि एटलीस्ट मैं उस गैप को जो है वो मेंटेन कर सकूं। एंड सेकेंडली मनप्रीत जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आई एम 37 नाउ, मुझे कोई शर्म नहीं आती अपनी एज को छुपाने में। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेजेस आई गो, मैं मतलब जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं इंडिया में भी, मैं सबसे ज़्यादा उनमें एजड कॉम्पिटिटर होता हूँ। ओके, आप इंडिया में भी देखोगे 25 साल 30 साल मैक्सिमम, 32 साल 28 साल ऐसा रहता है जी। सो बीइंग 37, मेरे को ये पता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जो एक 25 साल के लड़के के पास है। राइट, तो मेरे को जो भी करना है वो बेस्ट क्वालिटी के साथ करना है। मैं टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसलिए मुझे पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे ज्यादा जल्दी पहुंचना है, आपको मुंबई आज ही पहुंचना है, तो आप डबल टिकट के पैसे देके जाओगे। इसी तरीके से अगर मुझे एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक अच्छा लेवल अचीव करना है, तो मुझे एक ऐसे बंदे को हायर करना पड़ेगा कि जो उस स्टेज पे वो उस तरीके की प्रिपरेशन कराता है। राइट, एंड ही इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, आई कैन नॉट ट्रेन विद हिम ऑन द फ्लोर। अच्छा, and I can just speak to him through chats, WhatsApp chats, or maybe audio calls, or very rare video call only before the competition 1 or 2 times. But still, उस consultation का ही जो package है वो अच्छा खासा है। लेकिन मुझे उसे देने में कोई दुख इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसके बदले में मुझे ऐसी knowledge मिल रही है जो मेरे future में काम आनी है। And he is one guy, he is very strict. He is very strict, और शायद मैं जितनी गालियां अपने एथलीट्स को नहीं देता, उतनी गालियां मैं सुन लेता हूं। ओह माय गुडनेस, ओके। एंड ही इज वेरी टू द पॉइंट। अच्छा, अगर सोर्स भी ये है तो सोर्स भी यही होना चाहिए, अगर इतना लिखा है तो इतना ही होना चाहिए। सिंपल, अगर चिकन लिखा है उसे आप फिश से रिप्लेस मत करो। ओके, चावल लिखे हैं तो उसे आप किसी और चीज से रिप्लेस मत करो, आप उसे केले से आलू से रिप्लेस मत करो, चावल खाओ। ही इज वेरी फिक्स्ड एंड वेरी पर्टिकुलर, वेरी मच पर्टिकुलर, एंड ही डजंट बिलीव इन गिविंग एन नंबर ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल। ओके, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, डजंट हैपन। माय प्रोटोकॉल वॉज सिंपलिस्टिक टू द सिंपल। ओके, मतलब जो मैंने भी इमेजिन नहीं किया था, वेरी बेसिक स्पेसिफिक थिंग्स, जस्ट अप एंड डाउन इन द डोसेजेस, दैट्स इट। ओके,
नथिंग एल्स, इवन द वर्कआउट इफ विल से एट बॉडी पार्ट एक दिन में, 14 से 16 सेट इंटेंसिव आपके ऊपर है, आप कितना कर लेते जी, जी, जी. That's it. Go and recover your body. Okay. It's not like सुबह 1 घंटा कार्डियो कर रहे हो, शाम को 2 घंटा कार्डियो कर रहे हो, 2 घंटा वेट ट्रेनिंग भी दे रहे हो, 0 carb में ट्रेनिंग कर रहे हो. नो, 5 दिन पहले तक आई वॉज पुट ऑन एक्सट्रीमली हाई कार्ब डाइट. अच्छा, एक्सट्रीमली हाई कार्ब डाइट. बहुत ही रेयर होता है कि वो मेरे को बोले चलो 4 दिन आप लो कार्ब कर लो, और वहां उसका लो कार्ब जो होता है हमारे इंडियंस के हाई कार्ब के बराबर होता है. एंड आई वॉज वेरी मच कंडीशन ऑन स्टेज. ऐसा नहीं था कि मैं कार्ब खाने की वजह से बहुत ज्यादा फ्लफी हो गया या वॉटरी हो गया एंड ऑल, नथिंग लाइक इट. गाइज, मैं अब आप लोगों के लिए रजत की स्टेज की जो एक्चुअल फुटेज थी वो मैं शेयर कर रहा हूँ. ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि रजत इसमें कितने ज़्यादा कंडीशन देख रहे हैं, और ये उनकी एक्चुअल यूरोप की जो स्टेज परफॉर्मेंस थी, ये वो वाली एक्चुअल फुटेज है. और अब हम आगे बात करते हैं. सो रजत, हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो प्रो एथलीट्स होते हैं चैम्पियनशिप से लाइक 1-2 हफ्ते पहले ही पानी पीना छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आपने बोला कि ट्रैवल के टाइम पर ही आपने 8-8 लीटर जो है वो पानी पिया, और उसके बावजूद भी आप कंडीशन थे ऑन द स्टेज. सो इसमें ऑफ कोर्स आपके कोच की भी कैलिबर जाती है और आपकी भी डेडिकेशन लगती है. सो ये जो मैजिक है, ये मैजिक कैसे पॉसिबल है? मतलब ये हमारे यहाँ के कोचेज को मालूम नहीं है, या उनके पास में इंटरनेशनल कोचेज के पास में कोई स्पेशल नॉलेज है इस चीज़ के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग स्पेशल. अच्छा, स्पेशल हमारे यहाँ ज़्यादा होता है. एक्सपेरिमेंट्स यहाँ ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ स्पेशल ज़्यादा होता है. एंड सेकेंडली, अगर इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में देखोगे तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कोच, इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक फिनोमेना. अच्छा, योर बॉडी 75% वाटर, योर मसल्स आर 75% वाटर. आप जब कार्ब लोडिंग की बात करते हो, कार्ब बॉडी में कार्ब थोड़ी लोड होता है, मसल में तो सब कुछ या तो फाइबर के फॉर्म में है या वाटर के फॉर्म में है. कार्ब एंड सोडियम आर द टू कॉम्पोनेंट्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द मसल, जो पानी को खींचते हैं मसल के अंदर. अब अगर आप पानी ही छोड़ दोगे और कार्ब लोड कर रहे हो, बाहर से कुछ पानी मिल नहीं रहा उसको, तो बॉडी में लोडिंग क्या होगी? आप पानी पहले से छोड़ दोगे, आपकी बॉडी 75% जो मेजर आपका पोर्शन है, उससे आपका दिमाग भी चल रहा है, उससे आपकी मसल पंप भी हो रही है, उससे आपके ऑर्गन्स भी चल रहे हैं, आप सब काम उसी से कर पा रहे हो. आप उसे छोड़ के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी 100% फंक्शन करे, परफॉर्म करे और कंडीशनिंग लेके आए जी? तो ये होता था पहले, जो 70s, 80s के या 90s के बॉडी बिल्डर्स होते थे वो ये काम करते थे जी. कि लेकिन उस समय क्या था, उस समय रिसोर्सेज बहुत कम थे, वो डाइट में जितना खेल जाते थे, और उस समय की बॉडीज भी ऐसी नहीं थी. बहुत क्लासिक जिनको बोलते हैं, उस समय सारे कुछ क्लासिक ही होते थे, राइट? कि कोई इतना ह्यूज नहीं लगना, कंडीशन ज़्यादा लगना है एंड ऑल. तो उस समय क्या होता था, वाटर सॉल्ट का मैनिपुलेशन होता था, और ऐसा नहीं है हर एक बंदा ऐसा करता था, ठीक है? बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. मैंने ये पर्सनली देखा, आई यूज टू डू दैट ऑल्सो. अच्छा, बट मैंने ये पर्सनली देखा, मतलब जब मैं नील के अंडर भी नहीं था, ये मेरा तब से रियलाइजेशन है, जब मैं सॉल्ट और पानी कंप्लीटली छोड़ देता हूँ मॉर्निंग में तो मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग आती है ना, मेरी बॉडी पानी पकड़ना शुरू हो जाती है. अच्छा, और ये मैंने एक स्टेज में नहीं देखा, मैंने बहुत सारे स्टेजेस में देखा ये, और मेरे को खुद ही लगने लगता है कि मेरी बॉडी सॉफ्ट हो रही है और मैं फ्लफी हो रहा हूँ. फिर मैंने जो मेरे अभी भी मेरे बहुत क्लोज हैं, मैं उनसे भी बहुत कंसल्ट करता हूँ, और पीछे मैंने उन्होंने मेरे को कोचिंग कराई, कुलदीप सिंह यादव जी जी, तो 2022 का जो मैंने गोल्ड क्रैक किया था उन्हीं की हेल्प से किया था. अच्छा, तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया, मैंने कहा कुलदीप भाई मैंने ये रियलाइज किया है देखो, कि अगर मैं पानी नहीं छोड़ूंगा ना तो मेरी बॉडी बहुत परफॉर्म अच्छा करेगी, और प्लीज़ इस बार मेरे को ये करने दो. मतलब मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि मैं उन्हें धोखे में रखूं, उन्हें कुछ और कह रहा हूं और मैं कुछ और कर रहा हूं जी. तो मैंने उनको बोला, अपनी बात रखी, बोले अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो लेट्स डू दिस. एंड आई एक्चुअली डिडंट लीव वाटर, आई जस्ट रिड्यूस द क्वान्टिटी अ लिटिल बिट, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, और जो भी प्रोटोकॉल जैसा था उस तरीके से उसको फॉलो किया. और ये 2022 की ही बात है, एंड आई वॉज द मोस्ट कंडीशन एवर इन माई लाइफ, एवर इन माई लाइफ. एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीटली पंप माई मसल ऑन स्टेज, प्रॉपर पोजिंग हो रही थी मेरे से, और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी बॉडी में पानी भर रहा था जी.
तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस एक एथलीट को खुद भी करने चाहिए. और हमें अपनी बॉडी जानने का सबसे ज़्यादा जो तरीका, मतलब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, एक हमें अपनी खुद बॉडी जाननी चाहिए. क्योंकि एक आप जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, या तो आपने किसी से पढ़ा है, या किसी कोच ने दिया हुआ है, या कोई और पुराने तरीके से आप फॉलो कर रहे हो, वो किसने क्या सोच के बनाया है आपको ये नहीं पता. आपकी बॉडी इस पे क्या रिएक्ट कर रही है आपको ये पता होना चाहिए. इंडिया में मैंने देखा है, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा जी, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को अभी 25 साल हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडिया में जितने भी लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, सब डिप्लीटेड चढ़ते हैं. राइट. वो इसीलिए चढ़ते हैं कि उन्हें ये लगता है कि यार हम नमक खा लेंगे या पानी पी लेंगे तो हम लोग फ्लफी हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. और कोशिश ये करते हैं कि जितनी उनकी वैस्कुलैरिटी दिखे, मतलब जितनी नसें दिखती रहें, और जितना ज़्यादा वो श्रेडेड होंगे तो वो शायद गोल्ड विन सारा बिल्कुल ही वो पेपर स्किन हो जाए, और सब कुछ जो है ऐसा हो जाए कि बस फाड़ के बाहर आ रही है. नो. मैंने ये क्वेश्चन मैंने नील को किया. मैंने कहा कि आई एम लुकिंग हार्ड, आई एम लुकिंग श्रेडेड, आई एम फीलिंग गुड, बट आई एम नॉट लुकिंग वैस्कुलर. मेरी वो पॉप आउट क्यों नहीं हो रही नर्व्स? तो ही सेड Never go for it. Okay. Because आपकी जो जब nerves pop out हो जाती है ना, तो आपकी खूबसूरती stage से खत्म हो जाती है. Body की खूबसूरती without vascularity ज़्यादा अच्छी है. अच्छा. Okay. Because see, आपने भी बहुत सारी body ऐसी देखी होंगी कि बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब वो pump करते हैं, squeeze करते हैं ना, सारी एकदम से नसें बाहर, वो एक distracting look दे देती हैं. मतलब मेरे को तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि बहुत ही ज्यादा अगर आप ओवर वैस्कुलर हो, और वो क्या करती हैं, आपकी मसल की क्लैरिटी को छुपा लेती हैं. वो जाल बन गया आपके ऊपर, यहाँ जाल बन गया, सब पे में जाल बन गया, तो आपका जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं तो छुपेगा. ट्रू, वेरी ट्रू. तो जो डेप्थ है आपके, जो कट की डेप्थ है, जो मसल की जो कंडीशनिंग की डीप है, डीपनेस है, और जो आपका लुक है उसके हिसाब से, जो फाइबर्स आपके दिखने चाहिए, वो आपका नर्व्स ने कवर अप कर लिए. तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि भाई हम लोगों को बॉडी को फुलर करके चढ़ना है. बिल्कुल सही बात है गाइज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँगा एक थंब रूल है IFBB में भी, कि अगर आप मोस्ट वैस्कुलर होकर के स्टेज के ऊपर आते हैं, तो वो भी एक डीमार्किंग का आपका फैक्टर बन सकता है. और जिस तरीके से रजत ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आई एम श्योर अगर आप लोग अपना कैरियर इस फील्ड में बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इन फैक्टर्स को आप ध्यान रख करके अपनी प्रेप या अपनी कोचिंग या कोच को सिलेक्ट कीजिएगा कि उनको कितनी नॉलेज है. रजत, थोड़ी सी बात अब हम करते हैं कि आजकल कुछ नए तरीके की चीज़ें जो हैं, नए तरीके की बातें जो हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर रोम अराउंड हो रही हैं. उसमें से कुछ रूमर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर देना शायद ठीक रहेगा. सो मैं बात करना चाहूँगा कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में. किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे, बट यस, ये सारी रोम अराउंड होती हैं एक ही फेडरेशन के आसपास, जो है IIHF शेरू क्लासिक के आसपास. सो मेरे नज़रिए में, एक मेरा जो पर्सनल एस्पेक्ट है इसको देखने का, वो ये है कि मार्केट में तीन तरीके के झुंड हैं. एक झुंड के अंदर यूट्यूबर्स, प्रमोटर्स और दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं शेरू क्लासिक को. एक झुंड ऐसा है जो शेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करता है, लाइक एथलीट्स का, कोचेस का, जो सपोर्ट करते हैं. एक झुंड ऐसा है जो इन दोनों झुंड के बीच में है. वो इधर भी है, वो उधर भी है, लेकिन वो तमाशबीन की तरह बैठ करके देखता है. मतलब वो सही को सही भी नहीं कह पाते और गलत को गलत भी नहीं कह पाते. सो आपका परसेप्शन क्या रहता है जब आप किसी ऐसे तरीके के इंसान से मिलते हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में? पहली चीज़, मुझे ये पर्सनल, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट समथिंग कि आई एम इम्पोजिंग ऑन समवन और मैं किसी की बुराई या बढ़ाई. जी. आपको किसी के आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं. या तो आप उसके कंधे से कंधा लड़ा के उसे बीट करके आगे बढ़ो जी, या आप उसे टंगड़ी अड़ा के गिरा के आगे बढ़ो. ठीक है. दूसरा वाला तरीका ज़्यादा आसान है. और जहाँ पर इस तरीके की नेगेटिविटी और या काइंड ऑफ वायलेंस या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, या किसी के बारे में कुछ बोला जाता जी, है जी. तो लोग उसे ज़्यादा सुनते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हिंदी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं कि आज इसने इसको चक्कू मार दिया, आज उसने उसका सॉरी टू से दैट रेप कर दिया, या ये बहुत न्यूज़ हो वहाँ पर, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप. इट्स लाइक नेगेटिविटी एक्चुअली अट्रैक्ट्स पीपल. इसीलिए हम लोग जो WWE देखते हैं, फाइटिंग देखते हैं, खून खराबा देखते हैं, तो वो हमें
एक्साइट करती है, एक्साइट करती है। तो कुछ लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इनके लेवल पे आके तो नहीं आगे बढ़ सकते, तो इनकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो वी इंडियंस हैव अ मेंटालिटी लाइक क्रैब। अगर आप एक बड़े से बाल्टी में या बड़े से बर्तन में आप 10-12 क्रैब्स को अगर इकट्ठा करके डाल दोगे, तो क्रैब्स की मेंटालिटी होती है कि वो एक दूसरे की टांग खींचेगी। एक अगर उड़ना बढ़ना चाहेगा तो वो उसकी टांग खींचे उसे नीचे गिरा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि सब लोग वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर एक बाहर निकलेगा तो वो दूसरे को आने में भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही है। हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए चींटियों जैसी। आपने चींटियों को देखा ना, लाइन बना के चलती हैं और लोड एक दूसरे को ट्रांसफर करती रहती हैं और जहां जाना होता है एक दूसरे का सपोर्ट करके चलती हैं। हम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं हमारी ईगो क्लैश हो जाती है कि वो हमसे आगे क्यों जा रहा है। ओके। या वो अगर ऐसा कर रहा है तो कैसा कर रहा है, वो अगर इतना पैसे कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है। आप समझ रहे हो? तो मेरे को ये पर्सनल फीलिंग है कि वहां पर ये मेंटालिटी की वजह से कुछ लोग जो है उसे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ नहीं इसीलिए भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम एक पक्ष में बोलेंगे तो दूसरा पक्ष हमसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, वो सबके अच्छे बन के रहना चाहते हैं। गुड बुक्स में यार, अगर आपसे मिलेंगे तो आपसे हाय हेलो, इनसे मिलेंगे तो इनसे हाय हेलो, सबके लिए अच्छी है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप देखो एक परसेप्शन होता है, एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। शायद जो एक चेन स्मोकर है उसके लिए सिगरेट पीना उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन किसी दूसरे आदमी के लिए वो चीज बहुत बुरी है या वो चीज उसका लंग्स खराब कर देगी। ठीक है, इट्स हाउ यू सी द थिंग्स। लेकिन उसका प्रोपेगेंडा करो, उसको आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करके या उन्हें इन्फ्लुएंस करके आप ये बोलो कि ये ऐसा है वैसा है, तो दैट इज नॉट डन। या अपने चैनल को आप बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज पर्सनली नॉट डन। अब मैं भी देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं 2 बार गोल्ड जीत चुका हूं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। आई थिंक इन क्लासिक फिजिक, मुझे और कैटेगरीज का फ्रैंकली नहीं पता, इन क्लासिक फिजिक इन इंडिया आई थिंक आई विल बी द ओनली एथलीट, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, आई विल बी द ओनली एथलीट हु हैज क्रैक्ड गोल्ड ट्वाइस बट स्टिल हैज नॉट गॉट द प्रो कार्ड। मैं भी 10 तरीके की 10 चीजें बोल सकता था जी, कि भाई मैं यहाँ पर डिजर्विंग हूँ, मेरे को यहाँ मिलना चाहिए, वहां मिलना चाहिए। और शायद एक बार मैंने ये गलती करी भी थी। मैंने गलती नहीं करी थी, वो मेरे फीडबैक मतलब अपनी चीज को एक्सप्रेस करने का शायद तरीका गलत था। ठीक है, ओके। शायद तरीका गलत था और उसको मैंने फिर बायबैक भी किया, क्योंकि उस समय तो आप बिल्कुल ही उस मूमेंट में होते हो ना कि यार ये क्या हो गया, क्या हो गया। यस। लेकिन जब आप उसे एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि भाई एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बॉडी। जी। आपकी बॉडी अगर आपको अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं सबको ये अच्छी लग रही है। या अगर 5 जज बैठे हैं तो भाई उनमें से अगर 2 को बहुत अच्छी लग रही है तो 3 को बहुत बुरी भी लग सकती है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव गॉट। और उन्हीं को जिन्होंने आपको कम मार्क्स दिए उन्हें ये मजबूर कर दो करने के लिए कि वही आपको ज्यादा मार्क्स दें। क्या बात है, वेरी नाइस। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। आप इसलिए आपने देखा होगा मैं कोई भी किसी भी तरीके के फीडबैक्स या किसी भी तरीके का यूट्यूब वीडियो या ये नहीं बनाता। मैं क्या होगा अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो भाई मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा तो मेरे पास अर्निंग नहीं आएगी। अर्निंग नहीं आएगी तो मैं आज प्रेप कर रहा हूँ कल प्रेप नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को सारी चीजें देखनी है, राइट। और अगेन मैं 10 लोगों के लिए सही भी हो सकता हूं और 4 लोगों के लिए गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, तो इसका इसका जो है डिसीजन कौन लेगा कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं? आप और वो 10-10 भी हो सकते हैं। तो अगर एक जगह 10 सही है, एक जगह 10 गलत है, तो आपको क्या पता आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। बिल्कुल, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल वैलिड। लेकिन मैं कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करूंगा। मैं डिग्रेड इसलिए नहीं करूंगा कि भाई मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं, मेरे को भी कोई कल डिग्रेड कर सकता है। जी जी जी। और मैं फिर उससे डर के रहूंगा, भाई मैंने तो आज ये बोल दिया, अब कल कोई मेरे बारे में कुछ ना बोल दे कोई। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ओनली, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय गेम। आई जस्ट वांट टू बी द वांट टू बी द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट एंड व्हेन माय एम इज क्लियर। ओके, मेरे को वही चाहिए बस। एम आपका प्रो कार्ड है? नहीं, प्रो कार्ड इज द स्टार्टिंग। यस, एम है
रिप्रेजेंट करना अभी के लिए प्रो कार्ड है, yes, and then ultimate goal है, that is the first stage, yeah. And once I get that, I will not be stopping. तब तो actual journey शुरू होगी. Absolutely. So मेरा next question और last question उसी चीज के ऊपर है. आखिर कब? कब आएगा ये प्रो कार्ड? देखो बहुत सारे example हैं. क्या कैसे मैं दूँ? अमिताभ बच्चन भी एक बार आकाशवाणी का जब देने गए थे, इंटरव्यू देने गए थे, तो उनको इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि आकाशवाणी वाले लोगों को उनकी आवाज़ पसंद नहीं है. आज वही बंदा अपनी आवाज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे होके भी अच्छे सामने नहीं आ पाते. मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को कोई चीज़ बहुत देर में मिलती है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, आज के टाइम में लोग उसकी एक्टिंग की मतलब दाद देते हैं जी, और मिसाल देते हैं. 45 इयर्स बाद उसको ब्रेक मिला जी, लेकिन आज वो कहाँ पर है आप सोचो. ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं कि वो ऐसा नहीं है कि उन्हें ओवरनाइट ही भगवान ने वरदान दे दिया या कुछ कर दिया, उनका टाइम ही तब था. ठीक है, शायद ये चीज़ अगर मैं 25 साल में पूरा कर लेता आज शायद मैं रिटायर होके मेरा पेट भर आ गया होता. बिल्कुल ठीक है, इट कुड बी द पॉसिबिलिटी, लेकिन I kept on doing और उससे मुझे एक बेनिफिट हो रहा है मनप्रीत जी, मैं हर बार अपने आप को बेटर ही पाता हूँ. क्या बात है, वेरी नाइस. हर बार अपने आप को बेटर ही पाता हूँ और ये रियलिटी लोगों को भी पता है. वो मेरे 2022 की स्टेज पिक्चर्स देख लें, 2023 की मेरी अभी दो महीने पहले शेरू की स्टेज पिक्चर्स देख लें, और अभी जो आएंगी मेरे पास हाई रेजोल्यूशन अभी रोमानिया वाली स्टेज पिक्चर्स देख लें, और जो मैं आगे कंपटीशन खेलूंगा उसमें मेरी स्टेज पिक्चर्स और वीडियोस देख लें, लास्ट ईयर के दुबई की स्टेज पिक्चर्स और वीडियोस देख लें, यू विल सी डिफरेंस फॉर श्योर. आई एम नॉट सेइंग आई विल बी हैविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी, बट देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेस. प्रोग्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, yeah. वो 1% भी हो सकती है, वो 5% भी हो true, सकती है. वेरी ट्रू. बट अगर 1% भी है, इसका मतलब यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. एब्सोल्युटली. मेरा केवल यही मानना है, इवन मैं अपने एथलीट्स को भी यही बोलता हूँ कि अगर तुम प्रोग्रेस कर रहे हो उससे अच्छी जीत कुछ नहीं है. कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऑफ सीजन पे ध्यान ही नहीं देते, 6 महीने खाली बैठे रहेंगे, फिर पता चलेगा 3 महीने बाद कंपटीशन है, अच्छा भाई 12 हफ्ते रह गए, बस कार्डियो शुरू करो, कार्ब जीरो कर दो, सामान डालो बॉडी के अंदर और शुरू. व्हाट इज द रिजल्ट? दे विल बी लाइक लास्ट ईयर. एब्सोल्युटली ट्रू. यस, दैट्स हाउ इट इज. सो गाइस, ये एक मैं कहूँगा आप सब लोगों के लिए, जो जो लोग नेगेटिव वीडियोज देखते हैं या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जाते हैं, उनको उस चीज़ को छोड़ करके अपने आने वाले फ्यूचर कैरियर और टारगेट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, जैसे कि रजत भी हैं. और रजत की तरह अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं तो आप भी अपनी लाइफ में खुद से एक अचीवर हैं. आपको हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइए. अगर आपके पास में है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रजत से रिलेटेड या इनकी कोचिंग से रिलेटेड, सो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में उनको कर सकते हैं ड्रॉप, और रजत उन सबको ग्लैडली करेंगे आप सबके लिए आंसर. सो रजत, जाते जाते एक बार आप मेरे सारे व्यूअर्स को अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए. देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो आपने अभी अपने आप ही दे दिया कि नेगेटिविटी से दूर रहिए जी. और ये गेम है ही ऐसा कि जैसे ही नेगेटिव चीज़ें चाहे फिजिकली या मेंटली या सोशली आपके ऊपर आती हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है जी. एंड कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्चुअली सो मेनी नेगेटिव थिंग्स इनसाइड द बॉडी. आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपकी रिकवरी नहीं होगी, आपका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, आपका परफॉर्मेंस स्टेज पर नहीं आएगी एंड ऑल. और सेकेंडली भाई, प्रोग्रेस के लिए ज़रूर काम करो, क्योंकि प्रोग्रेस के बिना कुछ नहीं है. अगर आप आज प्रोग्रेस नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको दुगनी तिगनी मेहनत करने पड़ेगी. जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता वो बेचारा फिर आखिरी 10-15 दिन में जो है वो इतनी इतनी किताबें लेके बैठता है, तो उस समय पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे सिलेबस को कम्प्लीट कर सके. तो फिर उसका यही रह जाता है कि बस वो पासिंग मार्क्स ले आए. अगर आपका एम ये है कि आप पासिंग मार्क्स ले आओ, देन डेफिनेटली ठीक है, आप पासिंग मार्क्स ही ला पाओगे. लेकिन हाँ, आपका एम ये है कि चाहे आज मैं थोड़ा पीछे रह गया या आने वाले टाइम में मैं थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन मेरा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? अंत भला तो सब भला. जी जी जी. तो जब तक है जान, कोशिश यही करते रहो कि आपका जो एम है वो ऐसा पूरा हो कि आप प्रोग्रेसिवली इतने बेटर देखो कि बंदा खुद ही मजबूर हो जाए, यार ये जब इसने शुरू किया तो ये ऐसा था, आज के टाइम में देखो ये क्या निकल के आया है. वेरी नाइस. दैट्स हाउ. वेरी नाइस.
सो थैंक यू सो मच गाइज आप सबका आज का हमारा ये एपिसोड देखने के लिए, और आप लोगों ने करने हैं भर भर के कमेंट्स. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर.